वेलकम टू जेके एस एस बी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेके एस एस बी एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन प्लेयर वॉन द अबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 वुमेन्स सिंगल टाइटल। इसका जो आंसर है दैट इज उन्नति हुड्डा। क्या आंसर है? उन्नति हुड्डा। इंडिया की यंग बैडमिंटन प्लेयर उन्नति हुड्डा ने अबू धाबी में बैडमिंटन मास्टर 2023 का जो टाइटल है वो अपने नाम करा है। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पूछा गया है कि अनुभव अवार्ड 2023, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, ठीक है। अनुभव अवार्ड जो है हैज बीन गिवन बाय विच यूनियन मिनिस्टर, कौन से यूनियन मिनिस्टर द्वारा अनुभव अवार्ड जो है दिया गया। इसका जो आंसर है दैट इज जितेंद्र सिंह, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर के लिए अनाउंस किया गया था एक अनुभव अवार्ड 2023 में एंड इट वाज गिवन बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ऑलराइट, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच स्टेट्स विमेन्स बैडमिंटन टीम वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर द 37 नेशनल गेम्स। तो 37 नेशनल गेम्स जो हो रही है गोवा में इस बार, तो इसमें कौन सी स्टेट की विमेन्स बैडमिंटन टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज असम। क्या आंसर है? असम। असम विमेन बैडमिंटन टीम वॉन्ट फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ द 37 नेशनल गेम्स, ठीक है। और जबकि कर्नाटका की मेंस टीम ने फाइनल जो है वो जीता है। और ये जो 37 नेशनल गेम्स जो हुई हैं ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही है? गोवा में ऑर्गेनाइज हो रही है, ठीक है। और इस टाइम 43 स्पोर्ट्स जो है वो इंक्लूड करी गई है नेशनल गेम्स में। और लास्ट टाइम जो नेशनल गेम्स हुई थी वो कहाँ हुई थी? दैट वॉज इन गुजरात, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। तो सीईओ एंड एमडी ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक के कौन इलेक्ट हुए हैं? दैट इज अशोक वसमानी, ठीक है। अशोक वसमानी इलेक्टेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, ओके। और इन्होंने किनको रिप्लेस करा है? ही रिप्लेस द बैंक्स फाउंडर जिनका नाम है उदय कोटक, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस हाई जंप T63 इवेंट एज एशियन पैरा गेम्स 2023, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज शैलेश कुमार। क्या आंसर है? शैलेश कुमार, ओके। चलिए अब बेसिकली ये जो फोर्थ एशियन, देखो ये जो आप 2000 देख रहे हैं ना 2022 का, ठीक है, तो डजंट मीन कि ये पिछले साल का है, ये इसी साल का है, ठीक है, जो कहाँ पे हो रही है? चाइना में हो रही है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट कोच बाय राजस्थान रॉयल। राजस्थान रॉयल द्वारा किनको असिस्टेंट कोच जो है वो अपॉइंट किया गया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज शेन बॉर्न। क्या आंसर है? शेन बॉर्न, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विशन दास बेदी जिनकी जो अभी पास अवे हुए हैं, मतलब अभी गुजर गए हैं, ये किस स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएट थे, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज क्रिकेट, ठीक है। तो फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विशन दास बेदी एक लंबी बीमारी के बाद फाइनली उनकी डेथ हो गई है एंड ही वॉज 77 ईयर ओल्ड, ओके। एंड ये ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्वेश्चन में पूछा किस फील्ड से ये ताल्लुकात रखते हैं, तो कौन सी फील्ड? क्रिकेट से, ठीक है। ये इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम लॉन्च टू एनहेंस कनेक्शन अमंग यंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम डाइवर्स स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका मेन मकसद है कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया के यूथ को, इंडिविजुअल्स को कनेक्ट किया जाए। तो उस प्रोग्राम का नाम क्या है जो लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज युवा संगम। क्या आंसर है? युवा संगम। अब ये एक प्रोग्राम एस्टेब्लिश किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जिसका मेन एम है कि इंटरपर्सनल कनेक्शंस किया जाए अमंग यंग इंडिविजुअल जो डिफरेंट स्टेट एंड यूटी से आते हैं, ठीक है। एंड रिसेंटली अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो थर्ड फेज ऑफ युवा संगम के लिए अ पार्ट ऑफ द एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव, ठीक है। ये जो पोर्टल है, ये जो प्रोग्राम लॉन्च करा गया है जिसका नाम है युवा संगम, ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव का, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज नमदापा पाके एंड कामलांग, ये टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट या यूटी में है? तो इसका जो आंसर है दैट इज अरुणाचल प्रदेश। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है?
अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि एशिया का लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स बायो गैस प्लांट जो है रिसेंटली इनॉग्रेट करा गया है कौन सी स्टेट या यूटी में, इस क्वेश्चन का आंसर करोगे आप लोग, बिकॉज दिस इज क्वेश्चन इज अ रिवीजन फॉर यू। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।